कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश इस जिद भरी जंग का, अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। खुशी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और हाँ शांतनु के पास ही रहना। तनु, अरे पायल, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा पापा से मिलकर आती हूँ। अच्छा हुआ तुम मेरे निकलने से पहले ही आ गई, वरना मुलाकात भी नहीं होती। दरअसल तनु, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। ऐसी क्या बात है पायल? तुम डर रही थी ना कि अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम अपनी बात साबित कैसे करोगी। हाँ तो? वो डॉक्टर जो गायब हो गया था ना, वापस आ गया। क्या? लेकिन पायल वो गया कहाँ था? पता नहीं, लेकिन हाँ अब वापस आ गया। अगर तुम चाहो तो हम उसे हकीकत बताने पे मजबूर कर सकते हैं। वो पायल, दरअसल तुम समझ नहीं रही हो। क्या क्या नहीं समझ रही हूँ? पायल तुम ये नहीं समझ रही कि मैं इस बात को और नहीं बढ़ाना चाहती, मैं इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहती। ऐसा सोच के बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो तुम। अरे तुम्हारे कहने से बात खत्म नहीं हो जाती, अच्छी तरह जानती हो राजलक्ष्मी मौसी को, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए खतरा बनी हुई है वो, और तुम कह रही हो कि बात खत्म कर देना चाहती हूँ। पायल तुमने ही तो मुझसे कहा था कि राज लक्ष्मी मौसी अपनी चाल चलने के लिए वार तो करती ही है, लेकिन खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से वार करेगी। और पायल, आजकल मेरे घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो और कुछ नहीं, राज लक्ष्मी मौसी के दिल का डर ही है। यकीन मानो पायल, अगर उनके दिल से ये डर निकल जाए ना कि मैं उनकी सच्चाई सबको बताकर उन्हें घर से निकाल बाहर करूंगी, तो वो खुद मुझे डराना धमकाना छोड़ देंगे। राजलक्ष्मी मौसी और साजिश करना छोड़ दें, जिस दिन वो साजिश करना छोड़ देंगी ना, उन्हें शायद खाना भी हजम नहीं होगा। तनु पायल, मुझे अपने तरीके से अपने घर को संभालने दो। अगर कोई इंसान बुरा है तो उसकी बुराई को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और पायल ऐसी कोशिशों में वक्त जरूर लगता है, लेकिन कामयाबी भी जरूर मिलती है। तुम देख लेना, अगर हम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए ना, तो राजलक्ष्मी मौसी हमारी सबसे बड़ी हमदर्द बन जाएगी। बहुत अच्छा सपना देख रही हो तनु तुम, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी बातें तो इतनी अच्छी हैं कि मन करता है हर वक्त तुम्हारी आवाज सुनता रहूं। हाँ, और अब वो दिन बिल्कुल दूर नहीं जब हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि करीब होंगे, बेहद करीब। अरे हाँ भाई हाँ, ये मेरी कोशिशों का असर नहीं,
बल्कि तुम्हारी मोहब्बत का असर है, जो बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। मयंक, किससे बातें कर रहे हो? पूजा से बात कर रहा हूँ नानीमा। इधर तो। क्या हुआ नानीमा, आपने फोन क्यों काट दिया? इतने गुस्से में क्यों हैं? देखो मयंक, धोखे और गलतफहमी में मैंने भी अपने कदम आगे बढ़ा लिए थे और तुम भी आगे बढ़ते जा रहे हो, लेकिन अब तुम्हें अपने कदम रोकने होंगे, क्योंकि ये शादी नहीं हो सकती। क्या, ये क्या कह रही हैं आप नानी माँ? किसी को सपने दिखाकर इस तरह उन्हें तोड़ना अच्छा नहीं होता। उस लड़की के सपनों की वजह से मैं अपनी खुशियों में आग नहीं लगा सकती। मैंने कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। लेकिन क्यों नानी माँ, ऐसी क्या बात हो गई? आप अचानक इस शादी से इनकार क्यों कर रही हैं? तू मेरे सामने सवाल कब से उठाने लगा? इस शादी का फैसला भी मेरा ही था और इस शादी से इनकार भी मैं ही कर रही। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ नानी माँ कि आपने इस शादी की सिफारिश की थी, मैं तो इनकार कर रहा था। आखिर आपने इस शादी की सिफारिश की और अब आप ही इनकार कर रही हैं? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मयंक, ये तो अच्छा हुआ कि शादी तय हुई है, शादी हुई नहीं है वरना मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाती। कैसी मुसीबत नानी माँ? पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, क्यों ख्याल नहीं आया कि उससे तेरी शादी करवा कर मैं अपने और अपने खानदान के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। मयंक, तू ये बात अच्छी तरह से जानता है ना कि उस लड़की ने तुझे अपना खून देकर तेरी जान बचाई थी? और उस एहसान का बदला आप इस तरह चुकाना चाहती? उन्हें एक बार विश्वास दिलाकर उनका विश्वास तोड़ना चाहती? गोदावरी को जो भी समझना समझती रहे, लेकिन मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। और तू भी कान खोल कर सुन ले, तू आगे से उस लड़की से बातें नहीं करेगा बस। लेकिन नानी माँ, मयंक, तेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि उस लड़की ने तुझे अपना खून देकर तेरी जान बचाई है, तो इसका मतलब तेरा और उसका ब्लड ग्रुप एक ही हो गया। और मैंने सुना है कि एक ही ब्लड ग्रुप वालों की औलाद अच्छी नहीं होती। ये आप क्या कह रही हैं नानी माँ? समझाने की कोशिश कर रही, मुझे ये खानदान चलाना है, इसे खत्म नहीं करना, इसलिए मैं ये शादी किसी भी हालत में नहीं होने दूंगी। समझ गया तू? कुछ उदासी लग रही है? नहीं तो बस घर की थोड़ी सी परेशानी है और कुछ नहीं। कैसी परेशानी दीदी? क्या फिर से राजलक्ष्मी मौसी या साहिल जीजू ने आपसे कुछ कहा? नहीं नहीं शीतल, ऐसी कोई बात नहीं। पापा कह रहे थे कि जब वो साहिल जीजू से मिलने उनके घर गए तो वहाँ एक अजीब सा हादसा हुआ था, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं। तनु दीदी, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और आप कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं लगा, जबकि मुझे तो ये लगता है कि आपको पता सब कुछ है और आप बताना नहीं चाह रही हैं। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? भला मैं तो आप मेरी कसम खाकर कहिए कि आपको कुछ नहीं पता। तेरी आखिर बात क्या है? जवाब दीजिए दीदी, क्या आपको कुछ नहीं पता? अकुल, दीदी को पता सब कुछ है कि साहिल जीजू के खिलाफ साजिश किसने की, शांतनु को मारने की कोशिश कौन कर रहा है, लेकिन ये बताना नहीं चाह रही। शीतल, अगर दीदी को सब कुछ पता है तो बताती क्यों नहीं? अब ये बात तो सिर्फ इन्हें पता होगी। मेरे पास पायल का फोन आया था और वो भी यही कह रही थी कि तनु दीदी को पता सब कुछ है और वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश हैं। दीदी क्या बात है, शीतल सच कह रही है? बोली दीदी, क्या ये सच नहीं है? आखिर वो कौन है जिसकी वजह से आप खामोश हैं? मैंने पायल से भी बार बार पूछा, लेकिन उसने ये कहकर फोन काट दिया कि इसका जवाब तनु दीदी ही देंगी। जवाब दीजिए दीदी। हाँ, मुझे पता है कि सच क्या है, लेकिन तुम लोगों को इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं।
मैं अभी पायल से पूछती हूँ कि क्या जरूरत थी उसे तुमसे ये बात कहने की। हेलो हेलो पायल, पायल क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुमने शीतल को ये बात बता दी? तनु, मैंने शीतल को कुछ नहीं बताया। मैंने तो शीतल को सिर्फ इतना कहा कि तनु किसी बात से अनजान नहीं है। उसके घर में जो भी हो रहा है वो किसके इशारे पर हो रहा है तनु सब जानती है। लेकिन पायल, तुम्हें मेरे और तुम्हारे बीच की बात यहाँ आकर नहीं कहनी चाहिए थी। तनु, मैंने तो सुना था कि लोग ठोकरे खाकर मजबूत हो जाते हैं, लेकिन तुम तो कमजोर हो गई हो। तुम तो बुराई के खिलाफ लड़ने की हिम्मत ही हार चुकी हो तनु। तुम ठीक कह रही हो पायल, ठीक कह रही हो तुम। लेकिन पायल, ठोकरे इंसान को कभी कमजोर नहीं बनाती। ये प्यार ही है जो इंसान को कमजोर बना देता है। पायल, मैं अपने पति अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। ये उनका प्यार ही है जिसने मुझे कमजोर बना दिया है। मैं मजबूर हूँ, मैं चुप हूँ इसीलिए। पायल, मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए मजबूर हूँ, चुप हूँ। ठीक है तनु, तुम जैसा चाहो वैसा करो। मुझे तो बस ये चिंता है कि राजलक्ष्मी और देवयानी कहीं तुम्हारी खामोशी का फायदा ना उठाए। जब ऐसा वक्त आएगा पायल, मैं तब सोचूंगी। लेकिन अभी मैं अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी को फिर से बसाना चाहती हूँ। मुझे मेरे हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाने दो, अपने घर को चलाने दो। ठीक है तनु, मैं तुम्हें अब कोई सलाह नहीं दूंगी। दीदी, आखिर क्या हो गया है आपको? किसी को इस तरह से सपने दिखाकर उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। उस लड़की के सपनों की वजह से मैं अपनी खुशियों में आग नहीं लगा सकती। मैंने कहा ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। क्या कह रही हैं आप रानी मां? समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे ये खानदान चलाना है, इसे खत्म नहीं करना, इसलिए मैं ये शादी किसी भी हालत में नहीं होने दूंगी। समझ गया तू? हेलो। हेलो पूजा। मयंक, आखिर ऐसा क्यों हुआ मयंक? आपकी नानी माँ यहाँ आई थी और बिना कोई वजह बताए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। आखिर उनको हम में क्या कमी नजर आई कि उन्होंने हाँ कह के भी ना कर दिया? नहीं पूजा, तुम में कोई कमी नहीं। दरअसल उनके इनकार की वजह ही ऐसी है कि तुम जानोगी तो तुम भी हैरान हो जाओगी। यह आप क्या कह रहे हैं मयंक? हाँ पूजा, हमारा अपना खून ही हमारे प्यार का दुश्मन बन गया है। दरअसल हम दोनों का ब्लड ग्रुप एक होने की वजह से वो नहीं चाहती कि हम दोनों की शादी। लेकिन लेकिन हमारी इसमें क्या गलती है? और अगर ये शादी नहीं हुई तो हम भी अपने प्यार के साथ मिट जाएंगे। हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे मयंक। नहीं पूजा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लेकिन नानी माँ को समझाना भी बहुत मुश्किल है। अगर एक बार उन्होंने ना कर दी तो वो हरगिज नहीं मानेंगे। हम कुछ नहीं जानते मयंक, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमने आपसे प्यार किया है। अभी आप पर है कि आप अपने प्यार का फर्ज निभाते हैं या नहीं। अपने प्यार का फर्ज निभाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
लेकिन अगर मुझे अपने प्यार का फर्ज निभाना है तो मुझे नानी माँ के फैसले के खिलाफ जाना होगा। उनके फैसले के खिलाफ जाकर मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या तुम मेरे इस फैसले में मेरा साथ दोगी? हम आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। बोली क्या करना होगा? थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी पूजा, अपने घर से निकलकर मुझसे मिलना होगा। लेकिन ये तो सोचिए कि हमारी मम्मा को तो इस शादी से एतराज नहीं है। पर ये तो ठीक नहीं है कि हम अपनी मम्मा के ख्वाबों को तोड़ के निकल जाएं। अगर वो तुम्हारी खुशियां चाहती हैं तो उन्हें हमारा ये फैसला कबूल होगा पूजा। वो हमारी मजबूरियों को समझेंगी और बाद में हम उनसे माफी मांगकर उन्हें मना लेंगे। और वैसे भी पूजा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, बोलिए कब और कहां मिलना है? मैं नानी माँ को बिना बताए उनसे छुपकर शादी की सारी तैयारी करता हूँ। तुम्हें अपने घर से निकलना होगा और सीधे वहां पहुंचना होगा। उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा मयंक? उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा पूजा। एक बार हम दोनों की शादी हो गई तो नानी माँ को तुम्हें अपनी बहू कबूल करना ही होगा। वो चाह कर भी इनकार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बोलिए कितने बजे और कहाँ पहुँचना है हमें? उसके लिए मैं तुम्हें बाद में फिर फोन करूंगा पूजा, बस तुम अपने आप को तैयार रखो। ओके ठीक है मयंक। ओके बाय। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे मैं समझता हूँ, देखो जब पापा मम्मी आ जाए तो मुझसे मिलकर ही आना। तनु तुम शांतनु की चिंता मत करो, अरे खुशी है ना उसे संभालने के लिए, मैं बोल दूंगा खुशी से। ओके तुम उनसे मिलकर ही आना, बाय। काफी खुश नजर आ रहे हैं साहब, लगता है भाभी से बात हो रही थी। हाँ तनु से बात हो रही थी, दरअसल वो अकुल के घर गई हुई और पापा मम्मी मंदिर गए हुए हैं, तो कह रही कि उनसे मिलकर आऊं, कैसे क्या करूं, तो मैंने कहा ऑब्वियसली मिलकर ही आना। तनु भाभी को आपकी और शांतनु की हमेशा फिक्र रहती है। नहीं नहीं, उसे शांतनु की ज्यादा फिक्र रहती है। और वैसे भी जब से शांतनु के साथ ऐसे हादसे हुए हैं तब से उसकी फिक्र और बढ़ गई है। साहिल, उन हादसों की हकीकत के बारे में तो आपको अभी भी पता नहीं लगा होगा और शायद आपको पता लगेगा भी नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो रोहित? हाँ साहिल, तुम्हारी नजर से तो अभी बहुत सारी सच्चाई छुपी हुई है, जो पता नहीं कब तुम्हारी नजरों के सामने उजागर होगी। रोहित, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम मुझसे ज्यादा मेरे घर के बारे में जानते हो। साहिल, कुछ बातों की जानकारी मुझे भी है, लेकिन मजबूरी यह है कि मैं चाहकर भी अपनी जुबान नहीं खोल सकता। और अगर मैंने अपनी जुबान खोल भी दी तो पता नहीं तुम्हें मेरी जुबान से निकले हुए शब्दों पर भरोसा हो गई या नहीं। रोहित, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारी जानकारी के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं सर, ये बात है, अगर कहीं और से आपको पता चले तो वही अच्छा है, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो सारे राज वैसे पर्दे हट सकते हैं। मैं कोशिश कर चुका हूँ रोहित, लेकिन ये बात अभी तक मेरे लिए उलझन बनी हुई है कि आखिर डॉक्टर माथुर से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। ये बात तो आपको डॉक्टर माथुर से ही पूछनी चाहिए। मैं तो कब से डॉक्टर माथुर से पूछना चाहता हूँ, लेकिन वो तो लापता है। डॉक्टर इसी शहर में है, मैंने कल ही उसके उसे क्लिनिक में देखा था। अगर आप चाहें तो डॉक्टर माथुर से मिल सकते हैं। क्या डॉक्टर माथुर इसी शहर में है? अरे तो मैं तो उनसे कब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ रोहित, चलो अभी मिलकर आते। नहीं साहिब, डॉक्टर माथुर इस वक्त अपने क्लिनिक में नहीं होता। बेहतर यही होगा साहिल कि आप शाम को जाएं और अकेले ही जाएं और जाकर पता करें कि आपके मामले की हकीकत क्या है।
तुम्हारी बातें सुनकर ये तो मेरी समझ में आ गया कि जो मैं समझ रहा हूं वो हकीकत नहीं है। इस मामले की हकीकत कुछ और ही है। शायद अब ये हकीकत सामने आएगी। मैं आज ही डॉक्टर माथुर से मिलूंगा।